आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। स्वागत है आप सबका दर्शकों हमारे चैनल में एक बार फिर से। मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति इस वक्त आपके बीच लेकर आई हूँ ये बड़ी खबर। खास तौर पर देखा जाए तो किसी और नहीं बल्कि मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं साधना गुप्ता मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी है। साधना गुप्ता मुलायम सिंह यादव की वो दूसरी पत्नी है जिन्होंने अपने दोनों ही बेटे यानी कि प्रतीक यादव अपने बेटे और अपने सौतेले बेटे अखिलेश यादव दोनों को अपनी दोनों ही आंखों का तारा माना है। लेकिन यही साधना गुप्ता को सालों बाद पत्नी का दर्जा मुलायम दे पाए थे। सालों उनसे दूर रहे थे क्योंकि वो उनकी नर्स थी कहा जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि प्रतीक यादव अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव को चुनावी मैदान पर उतरते हुए देखने का सपना साधना लेकर आई। मुलायम की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के खुलासे हैं ये कि वो भी अपने बेटे प्रतीक को राजनीति की दुनिया में जंग छेड़ते हुए देखना चाहती थी। तो क्या अखिलेश से के खिलाफ भाजपा में शामिल होकर प्रतीक यादव राजनीति की दुनिया में अपने भाई के खिलाफ जंग छेड़ेंगे क्योंकि राजनीति में उनकी खास दिलचस्पी है नहीं। अभी तक प्रतीक ने कहा कि राजनीति में कोई दिलचस्पी उन्हें नहीं। जिमखाना चलाते हैं वो यूपी में बड़े से बड़े जिमखाने के वो ऑनर है फिटनेस फ्रीक है वो बिजनेस में उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन बीजेपी जो है अपर्णा पर मेहरबान है अपर्णा के परिवार पर मेहरबान है और मोदी जी के खास प्रशंसक जो है प्रतीक यादव भी हैं। तो भाजपा अपर्णा उनके पति पर मेहरबान है। तो मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना के सपने बीजेपी ही पूरी कर सकती है क्योंकि सपा के साथ आगे चलकर प्रतीक यादव राजनीति की दुनिया में शायद ही उतरे क्योंकि अपर्णा ने रास्ता अखिलेश से अलग चुन लिया है। भाजपा योगी मोदी जी के साथ रास्ते चुने। क्या जानते हैं साधना ने क्या कहा था प्रतीक को लेकर, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। यादव परिवार में मुलायम सिंह यादव नहीं बल्कि साधना गुप्ता की बहू है अपर्णा यादव क्यों कहा जाता है? परिवार में ऐसी खिचड़ी क्यों पकती है? हैरान करने वाली बात यह है आप जानते ही हैं कि मालती और मुलायम के बेटे हैं अखिलेश यादव। प्रतीक साधना गुप्ता व उनके पति के बेटे हैं जी हाँ यानी कि मुलायम की। साधना गुप्ता ने जब मुलायम से शादी की थी तब वो तलाकशुदा थी। प्रतीक उनकी पहली शादी से हुए थे ये बताया जाता है। तो शायद आप सबको इस बात की जानकारी ना हो लेकिन प्रतीक के बारे में जब बात हो रही है तो अखिलेश यादव से प्रतीक को आपने हमेशा दूरियां बनाते हुए देखा होगा लेकिन बीजेपी की तरफ उनका जुड़ाव ज्यादा रहा है। जी हाँ मुलायम की दूसरी पत्नी साधना भी अपने बेटे प्रतीक को राजनीति में आते हुए देखना चाहती थी। क्या आपको मालूम है जब भारतीय जनता पार्टी अपर्णा ने ज्वाइन की थी तो फिर बीजेपी की बहुत बड़ी जीत के बाद सबसे ज़्यादा खुश अपर्णा तो नजर आई। सपा में खुशी की लहर दर्ज करने वाली अपर्णा भाजपा में जाने के लिए खुश थी। तो ऐसे में सवाल खड़ा हुआ था कि आखिर उनका इस तरह की खुश होने के पीछे कारण क्या है। आपको यहाँ बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में कि अपर्णा यादव जब अपने हस्बैंड को ये बारे में बता बैठी तो अपर्णा के हस्बैंड प्रतीक को इससे कोई भी ज़्यादा परेशानी नहीं थी। प्रतीक यादव की बात की जाए तो प्रतीक को भाजपा से कभी भी प्रॉब्लम नहीं रही है। भाजपा बल्कि अगर देखा जाए तो पीएम मोदी के जितनी बड़ी प्रशंसक अपर्णा रही है उतने ही बड़े प्रशंसक अपर्णा के पति मुलायम के दूसरे बेटे साधना के बेटे प्रतीक यादव भी रहे हैं। मोदी जी के साथ उनकी तस्वीरें कई दफ़ा देखने को भी मिली है। और चलिए जान लेते हैं ये तो आप सबको मालूम ही है कि साधना भी अपने बेटे को लेकर सपने सजाती है कि वो भी राजनीति की दुनिया में कदम रखे। लेकिन ये बताया जाता है कि साधना गुप्ता को उनकी बहू ने ही उनके सपने को साकार कर खुशियाँ दी। राजनीति में वो आई बीजेपी से वो जुड़ी उनका कदभार बीजेपी में आने के बाद बढ़ाई है। साधना ने जब मुलायम से शादी की थी तब वो सपने सजाती थी प्रतीक को लेकर बड़े लेकिन अखिलेश के खिलाफ वो कभी नहीं बोली। एक इंटरव्यू में साधना ने ये कहा था कि उनकी ख्वाहिश है दिल्ली कि उनके बेटा राजनीति में आए।
प्रतीक ने कहा कि राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन साधना ने सपने देखे और चाहा कि वो राजनीति में आए। रियल स्टेट कंपनी चलाते हैं प्रतीक, लेकिन लखनऊ में आलीशान जिम चलाने वाले प्रतीक, जो कि इंटरव्यू में बता चुके हैं कि उनकी होने वाली पत्नी अपर्णा से उन्होंने वादा किया था तभी कि शादी करेंगे, कुछ भी हो जाए राजनीति में नहीं आएंगे, ये उन्होंने कह दिया था। लेकिन खुद जब अपर्णा बीजेपी मोह में डूबी है तो फिर अपने पति को बीजेपी में आने से भला वो क्यों रोकेंगी। ये आप सबको बता दें कि सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि अपर्णा अपने परिवार में अपने पति और अपनी सास दोनों का सपोर्ट बीजेपी में आने पर पाती हैं और इसीलिए उनका परिवार इतना खुश है। और आप देख ही सकते हैं कि साधना के हर फैसले में उनके परिवार में देखा जाए तो उनकी बहू सबसे ज़्यादा खुश होती है कि उनका पूरा परिवार उनके साथ सपोर्ट में खड़ा है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।